सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। जल्दी से बाइबल खोलें सब अपनी। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और बरकत दे रहा है। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, जो आज परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इनके घर में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए परमेश्वर, आमीन। इनको बड़ी आशीष मिलने पाए आज रात और आशीषों के मालिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आशीषों के मालिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू कर रहा है पवित्र आत्मा जी, आज बोलो मैं आशीषों का मालिक हो गया हूं आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आशीषों का मालिक हो गया हूं आज, मैं आशीषों का मालिक हो गया हूं आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हां, विश्वास करना आज पवित्र आत्मा जी, तेरा वचन जब खुले इनके घर में आज आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? उद्धार, कितने लोग उधार? हाँ हाँ हाँ, उधार क्या होता है? उधार कितने लोगों को उधार देना है? हाँ, कोई बताएगा? हाँ लड़की, उधार क्या? तू मुझे उधार दे सकती है? खड़ी हो है? कितने पैसे बोलना? जितने आप, जोर से बोल। जितने आप क्या 50 करोड़ देते? उधार कितने दे सकती है? बोल बोले जल्दी। बोलती नहीं, जितनी तनख्वाह है उसमें से बता दे। 500,000 उधार। क्या होता है उधार? पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ जी, किसी को क्या होता है उधार? आप सुनो, मैं प्रचार कर रहा था एक जगह पर, मैं कह रहा था कि कुछ लोगों को आज उधार मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, उधार। लेकिन एक औरत खड़ी हुई, कह रही कि 5,000 से ज्यादा नहीं है मेरे पास। मैं उस उधार की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, उधार लेने वाली बात नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में उधार की कमी होती है। उधार का मतलब क्या है? यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला। उद्धार का मतलब है उद्धार करता, सामर्थ देने वाला, बच्चा देने वाला, चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, नया बिजनेस देने वाला, जॉब देने वाला, स्वर्ग का जीवन देने वाला, उद्धार करने वाला, आपको शांति देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि उद्धार करता, कह रहा है कि आज वो आपके अंदर जन्म लेने वाला यीशु मसीह का नाम है। उद्धार करता, आपको समझना है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में आज भी कोई आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर से उद्धार नहीं मांगते। हालेलुया। कह रहा है कि बाइबल बताती है, कह रहा है कि उद्धार कैसे प्राप्त होता है। दो बातें हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कह रहा है कि आपको लिखनी है और कहनी है कि मुझे अपना, हाँ पढ़ो अशोक। उद्धार को पाने के लिए दो काम करें। हाँ। परमेश्वर को कहें मुझे अपनी आत्मा से भर दे। परमेश्वर को कहो कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे। अपने हाथों को उठाओ। अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका उद्धार नहीं करेगा। उद्धार का मतलब, जब आप धरती पर रहते हैं तो छुटकारा, जब आप धरती से चले जाएंगे तो स्वर्ग का जीवन, उसको बोलते हैं उद्धार। हालेलुया। परमेश्वर आपको उद्धार दिलाएगा। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। करें कि परमेश्वर की, परमेश्वर को कहें कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे। और दूसरा कहें कि खुदा की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें। अगर आपके पास आत्मा है तो कह रहे कि आप परमेश्वर के जन हैं। हम रोमियो की किताब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर देखो क्या लिखा। रोमियो की किताब में उसके 8वें अध्याय और 9 में जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ हाँ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं। हाँ। तो वो उसका जन नहीं। कह रहा अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो आप उसके जन भी नहीं हो, उसके बेटे भी नहीं हो, उसके कुछ नहीं लगते आप। आपके अंदर मसीह का आत्मा होना चाहिए। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है कि आज आपके अंदर कौन है पता है? क्योंकि कोई बिना यीशु मसीह को
आत्मा के बिना कोई प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस दिन आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उसका आत्मा आपके अंदर आ गया चर्च। आमीन। आपके अंदर आप आत्मा पाए हुए लोग हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको मिलता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपसे बातें करता है। वो आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, आपको प्यार करता है वो। हालेलुया। हालेलुया। करा के, लेकिन करा जिसके अंदर आत्मा नहीं है परमेश्वर का, करा वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने बैप्टिज्म लिया है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। करा एक आदमी था और वो यीशु मसीह के पास आया, बड़ा अमीर था, और आकर कहने लगा बोलने लगा, बोलता है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मुझे बता करा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि वो पैसे वाला था, मानव माल था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी, उसके घर में कलेश था, वो थक गया और यीशु के पास आया। बोलता है करा कि मैं मरने से पहले ऐसा क्या काम करूं कि मुझे उद्धार मिले, और जिस में बोलता है यीशु मसीह ने कहा, करा तूने पढ़ा नहीं बाइबल में, करा कि उद्धार पाने वाले, करा उद्धार किसको मिलेगा, स्वर्ग किसको मिलेगा, करा उसको जो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, करा व्यभिचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, करा के वो पेड़ों पत्थरों में करा कहीं भी भगवान को नहीं ढूंढता, करा के सुन रहे हो, करा के आज उद्धार उसको मिलेगा जो गंदे लुचपन के काम नहीं करता। वो बोल रहा करा परमेश्वर ये तो मैं दादे बड़दादों से सीखता आया हूं, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास बुद्धि है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, हमें ही पता है कि हम झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, शराब नहीं पीते, हम ये गलत काम नहीं करते। बोलता ये तो मेरे को पता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा करा फिर भी तेरे अंदर एक कमी है, एक बात की घटी तेरे अंदर है, करा कि आज एक बात की घटी के कारण भी एक व्यक्ति भी स्वर्ग जाने से वंचित रह सकता है। करा कि अगर आपका बच्चा बोलता है कई बार, मम्मी मेरा एक नंबर आ जाता तो मुझे मेरिट मिल जाती, मैं एक नंबर से मेरिट रह गया, पापा मेरा एक नंबर आ जाता मैं मैथ के नंबर में पास हो जाता, मेरा एक नंबर रह गया, मेरा सिलेक्शन आईएएस अफसर में होने से रह गया, एक नंबर के कारण, करा एक बात की घटी के कारण कोई व्यक्ति चूक सकता है अपनी लाइफ के अंदर। करा यहां पर करा आज बहुत सारे लोगों ने जब ये सुना तो चेले घबरा गए और यीशु मसीह के पास दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, प्रभु करे कि ऐसे तो गलती हमसे भी हो जाती है, अरे अब हमारा क्या होगा, एक बात की घटी तो हम में भी है, कोई ये नहीं कह सकता कि एक बात की घटी मुझ में नहीं है, सब में एक ना एक बात की घटी तो सब के अंदर है। चेले रो रहे थे, चेले परेशान थे, कह रहे ऐसे तो उद्धार किसी को नहीं मिलेगा, स्वर्ग किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जिसके साथ खुदा की प्रेजेंस होगी, खुदा की उपस्थिति जिसके साथ होगी, कह रहा उसका उद्धार परमेश्वर उसकी घटी को दूर करेगा। आमीन। आपके अंदर एक बात की घटी होगी। आपको हर संडे यहां पर इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप छठे दिन सातवें दिन परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर जाते हैं अपने घर में। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ जाती है, आपके बिजनेस में जाती है, आपकी कमियों को दूर करती है, आपके अंदर किसी भली वस्तु की घटी होगी तो परमेश्वर कह रहा है मैं संभाल कर रखूंगा अपने लोगों को। हालेलुया। वो डरे हुए थे, यीशु मसीह जब बादलों पर आने से पहले यीशु मसीह अपने लोगों को साइन देना शुरू कर देगा क्योंकि आप प्रेजेंस में हैं। हालेलुया। कह रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने कहा एक जगह, कह रहा है कि मेरे आने से पहले तुम्हें पता लगेगा कि वो कुछ सूख जाएंगे, वो पेड़, वो पत्ते, वो चीजें, कह रहा वो चीजें आपको एक साइन दिया बाइबल के अंदर, कह रहा है कि तुम्हें उस ऋतु में पता लगने लगेगा और समझ जाना कि मेरा आना तय है, बट जल्दी तय है। कुछ उदाहरण दिए बाइबल के अंदर, लेकिन एक जगह ये भी कहा, कह रहा है कि कोई डेट और टाइम नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार करता है, आप लोगों के साथ, कह रहा है आत्मा उन लोगों के ऊपर रहता है जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जो खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे ऊपर आए, तो मैं कह रहा हूं कि आज रात हाथ उठाकर परमेश्वर से, आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आत्मा से भरते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मा से भरते हैं। आज परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा दिला, परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यूहन्ना 3:3 में देखो क्या लिखा। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बोलो हालेलुया। इसका मतलब चर्च लोग आते तो हैं, इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस किसके साथ रहेगी। कह रहे हैं कि जो नए सिरे से ना जन्मे, आज चर्च आना, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रात को फिर वही देखते हैं, आप बैल मुझे मार। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस कहां रहेगी आपके साथ? रात को ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं, आहट,
कहां रहेगी खुदा की प्रेजेंस? परमेश्वर की प्रेजेंस ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती, लेकिन बाइबल बोलती है खुदा की प्रेजेंस किन लोगों के साथ रहती है? परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। याद रखना, कह रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ को बोलता है मम्मी मम्मी नहीं नहीं तू मेरे साथ स्कूल में बैठ, क्लास में बैठ, तब पढ़ूंगा। डरता है वो, उसको पता है अपनी माँ की प्रेजेंस की वैल्यू का पता है। कह रहा है कि आज बच्चे, कह रहा है जब बच्चे अपनी माँ बाप का साथ मांगते हैं, प्रेजेंस मांगते हैं, प्रेजेंस मांगते हैं बच्चे, लेकिन उनको पता है। लेकिन अगर आज आप किसी बीमारी या किसी समस्या में फंस गए हैं तो याद रखना खुदा की प्रेजेंस आपको समस्या में से बाहर निकालने वाली है। आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ रहे? परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे? आप जहां जाए परमेश्वर आपके साथ जाए, आप बिजनेस में जाए 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 के ना यस जाए। याद रखना जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है उसके नुकसान होने बंद हो जाते हैं, उसमें कर्ज आने बंद हो जाते हैं। उसको परमेश्वर कभी फ्लॉप नहीं होने देता, उसका पैसा नुकसान में नहीं जाने देता। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था 2011 जब मैं चंडीगढ़ में आया, 2012 से ये मेरी प्रेयर थी। और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा बेटे सुन, कह रहा जहां भी तू जाएगा, कह रहा है कि मैं आज रात अपना एड्रेस स्वर्ग से चेंज कर कर तेरे पास आऊंगा, एड्रेस तू होगा मेरा आपसे। आमीन। कह रहा है मेरी प्रेजेंस तेरे साथ रहेगी, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। मैं जब भी चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ 7 स्वर्गदूत चलते हैं और मुझे दिखते हैं। हालेलुया। गप मार रहे इंसान है हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन 7 स्वर्गदूत मेरे साथ रहे। मैं देख रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर, 13 साल हो गए मुझे सेवकाई के अंदर, और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मुझे हर मुसीबतों से बचाताया, हर नुकसान से बचाताया, हर परिस्थितियों से बदलताया। जिसके लिए बोलता है उसके लिए पूरा होता है। लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि आत्मा पाए लोग, कह रहा है कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते, वो बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला शमूएल 5:6 में, कह रहा है कि जब शाऊल के ऊपर आत्मा आया, कह रहा शाऊल बोल रहा था परमेश्वर मुझे तेरे आत्मा की जरूरत है। कितने लोग जानना चाहते हैं आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कैसे आए? आज परमेश्वर का आत्मा आएगा, आप पहले जैसे मनुष्य नहीं रहेंगे चर्च। यस आमीन। कह रहा यहां पर परमेश्वर ने उसको तरीका बताया, पहला शमूएल 5:6 में। हां देखो क्या लिखा, तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नष्ट करने लगा। इसी में पढ़ो, देखो क्या लिखा, 5 को दिखा फटाफट जल्दी से। देखो परमेश्वर ने उसको बताया कि शाऊल को कहा, कह रहा तुझे एक नबियों का दल, भविष्यताओं का दल तुझे मिलेगा और ऊंचे स्थान से उतरता हुआ मिलेगा, और कह रहा कि उनके आगे आगे सितार, डफ, बांसुरी बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, गीत गाने वाले मिलेंगे और वे नबुवत करते होंगे तेरे ऊपर। और आगे लिखा क्या लिखा 6 में, कह रहा कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर, क्या होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा आज के बाद। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कह रहा है खुदा की प्रेजेंस कहाँ है? जब आप चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, सुनते हैं, ये तबला, ये जब सारंगी बजती है, जब आप ताड़ियां बजाते हैं, आपके पास 10 उंगलियों वाली सारंगी है, आप जब बजाते हैं इसको, तारीफ करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर आ चुकी आज। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, उसका आत्मा आपके ऊपर आएगा। आप एक नबी के पास आए हैं, एक नबी के झुंड के पास आए हैं। उसने कहा शाऊल तू क्या करता है? कह रहा मैं भेड़ बकरियां चगाता हूँ। कहता कि आज हो सकता है आपसे पूछ रहा हूँ परमेश्वर तू क्या करता है? आप कहेंगे मैं यूपी में दिहाड़ी करता हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं खेत में काम करता हूँ। लेकिन उसने कहा जा नबी की संगति कर, कह रहा जा नबी की संगति कर, प्रॉफिट की संगति कर, करा वहां पर गीत गा रहे होंगे और एक प्रॉफिट वहां भविष्यवाणी कर रहा होगा। हाँ ये आदमी जीरो होगा अमित, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 50 करोड़ का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कर रहा हूँ उसी समय, कह रहा कि जब वहां पर आत्मा उतरेगा और कह रहा कि तू परिवर्तित होगा, इसका मतलब जब तू अंदर से चेंज होगा, नए जन्म से, कह रहा नए सिरे से जन्मेगा। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तू नए सिरे से जन्मेगा कब, तब तेरा उद्धार होगा। इसलिए शाऊल को पहले से पता था
कह रहा मुझे नए सिरे से परमेश्वर से आशीष लेने के लिए आज मुझे अपने फैसले को चेंज करना पड़ेगा, आज मुझे अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। उसने कहा जब तू परिवर्तित हो जाएगा, आप जो सोच रहे हैं नेगेटिव बात उससे आप चेंज हो जाओ। कह रहा और तू कह रहा कि पहले जैसा मनुष्य नहीं रहेगा। याद रखना यह भविष्यवाणी है, अगर आप चाय बेचते हैं कल तुम फैक्ट्री के मालिक हो जाओगे, तुम और ही मनुष्य हो जाओगे, तुम्हारे बेटे बेटियां और ही मनुष्य हो जाएंगे। तुम पहले से ऐसे नहीं रहोगे, चमक जाओगे चर्च, लेकिन आत्मा आज रात यहाँ से उतरेगा, एक एक के हाथ को छुएगा। आमीन। ये भविष्यवाणी आपके लिए, उन लोगों के लिए जो चर्च में आते हैं। कह रहा है क्योंकि आपको पता लग चुका है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आज संडे चर्च क्यों बुलाया जाता है चर्च के अंदर? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस आप लेकर जाते हैं, क्योंकि नबुवत के पास आते हैं आप। कह रहा कि आज से कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटने वाला। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के लिए मांग लो आज। बोलो कि आज परमेश्वर मुझे आज आत्मा दे दे, आज मैं पहले जैसा ना रहा हूं। आज परमेश्वर का आत्मा जब आएगा आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मरियम के ऊपर जब आत्मा आया, मरियम के ऊपर जब आत्मा आया और उसी समय वो उसी स्थान पर नहीं रही और पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया परमेश्वर ने उसको। उसने कहा जहाँ भी, कह रहे हैं कि जहाँ भी मैं जाऊँगा, जहाँ भी मेरे नाम का प्रचार किया जाएगा, मरियम तेरे नाम का भी प्रचार मेरे साथ में किया जाएगा। हालेलुया। याद रखना जब आत्मा आपके ऊपर आएगा आप नबुवत करने लगेंगे। आत्मा जब आपके ऊपर आएगा आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आत्मा जब आया शाऊल के ऊपर, राजा बन गया शाऊल, राजा बन गया है। याद रखना ये आत्मा आज आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला चर्च। आमीन। क्योंकि करा किसके ऊपर आएगा ये आत्मा, किसके साथ रहना पसंद करेगा परमेश्वर, किसके साथ? इसका मतलब ये करा नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। ये नहीं घर जाके अपने आप को पानी में डुबकी लेके मार लेना, गला घोट के पंखे पे टांग लेना और कहना परमेश्वर नए सिरे से जन्मा दे। नए सिरे से जन्मना के पर हाथ उठा के कहना कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर। मैं आज इसी समय मैं आज फिर से पश्चाताप करता हूँ, जो मैंने अगर कुछ गलत किया है तो आज मुझे नए सिरे से जन्म दे दे आज परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आएगा, उसकी प्रेजेंस आपके बच्चों के साथ रहेगी, जो आपने अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में नहीं किया आज रात के बाद आप करेंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। यही है, कह रहा है कि आज परमेश्वर चाहता है कि आप चेंज हो जाएं, अपनी आत्मा को चेंज करें, साफ करें। और उसी समय परमेश्वर चाहता है, मरियम उस समय वहां नहीं रही, मरियम आगे बढ़ती चली गई। हो सकता है आज आपका बिजनेस वहीं पर हो, स्टे हो, स्टे स्टे आपका बिजनेस। हो सकता है आपके बच्चे काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। आपका बैंक बैलेंस हो सकता है 5,000 से ज्यादा जुड़ नहीं रहा, 10,000 से ज्यादा जुड़ नहीं रहा, लेकिन आज कह रहा अगर आप क्या कर जा रहे हैं, परमेश्वर मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुनो, कह रहा कि आज तेरा बैंक बैलेंस वहीं नहीं खड़ा रहेगा, आज हिलेगा हिलेगा हिलेगा। तेरे बच्चे कह रहा, तेरी दुकान, तेरी शॉप, तेरा बिजनेस कह रहा कि आज कह रहा नबुवत है, ये भविष्यवाणी है। कह रहा कि आज कह रहा कि मरियम वहीं नहीं ठहरी रही, तुम वहीं नहीं ठहरे रहोगे, तुम फैलते चलते चले जाओगे। आमीन। फैलते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, बताया आपको, बुधवार को भी मैंने बताया, कह रहा कि उनके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है, क्योंकि बाइबल में लिखा जो सबसे ज्यादा प्रेम की भाषा जानता है। हालेलुया। कह रहा अगर तू भविष्यवाणी करे और तू प्रेम ना करे तो ठनठनाता हुआ घड़ियाल। इसका मतलब आप एक अच्छा भविष्यता, अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं करते, परमेश्वर प्रेम करने वालों के पास रहता है। याद रखना मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको दूर से भी आई लव यू बोल सकता हूँ, आपको फ्लाइंग किस भी करके दिखा सकता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, सुन रहे हो? लेकिन यही प्यार काफी नहीं है, ये तो आपके घर में भी चलता होगा। ऐसा प्यार नहीं चाहिए परमेश्वर को। कह रहा है प्रेम वो जो कह रहा है कि अपने स्वभाव को बदल दे, प्रेम वो जो दूसरों पर दया दिखाए। कह रहा प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम सारी बातें सह लेता है। हालेलुया। हालेलुया। सारी बातें सह लेता है प्रेम। कह रहा परमेश्वर कह रहा प्रेजेंस में आऊंगा, उसके साथ आऊंगा जिसके अंदर प्रेम होगा। दाऊद के अंदर परमेश्वर ने प्रेम को देखा, देखा दाऊद बेशक गुस्से वाला था, लेकिन उसके सामने अगर कोई मसीह के खिलाफ बोलता था, कोई कह रहा कि जन था,
लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर एक दया की भावना थी। मैं कह रहा हूं मूसा के अंदर एक दया की भावना थी। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर नंबर वन प्रॉफिट सिर्फ एक मूसा हुआ, और उसके आमने सामने होकर परमेश्वर बात करता था। yes. क्यों? क्योंकि मूसा के अंदर एक दया थी। मूसा प्रेम करने वाला था लोगों से। कह रहा कि आज मसीह लोग आपस में जब प्रेम नहीं रखते, तब परमेश्वर का आत्मा विलाप करने लगता है, दूर जाने लगता है। और बाइबल में लिखा कह रहा है कि जब आप अपने माँ बाप से, अपने परिवार में प्रेम नहीं रखते, तो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, उसके कामों से प्रेम नहीं रखते, उसकी आज्ञाओं से प्रेम नहीं रखते। क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा है बाइबल के अंदर, कह रहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। कह रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। जब आप प्रेम करते हैं, कह रहा अगर आप प्रेम नहीं करते यीशु से, तो आप दान भी नहीं दे सकते। आप प्रेम नहीं करते तो आप कह रहा कोई परमेश्वर का कहना नहीं मान सकते, आप चर्च नहीं आ सकते। लेकिन आपके अंदर प्रेम है, इसलिए आप यहां पर बैठे हैं। उसका बदला आज रात परमेश्वर आपको देगा। yes. आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके अंदर प्रेम हो आपके साथ जो आते हैं और जाते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, पापा मुझे 50 करोड़ का मालिक बना दे, और रात को मैं जटिया मला पगला दीवाना। रात को भाई साहब गंदी गंदी मूवी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, बाइबल पढ़ नहीं रहे। प्रेम करते हैं आप? नहीं करते। परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है ऐसे लोगों के साथ, झूठ है वो। कह रहे कि आप चर्च आते हैं लेकिन आपके साथ थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद नहीं है। याद रखना, परमेश्वर की प्रेजेंस उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर का कहना मानते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ चलेगी। आप जहां जाएंगे परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ होगी। आप प्रेम करते हैं, मेरे को, मैं आपको बता रहा हूं अंदर से कितने लोगों के अंदर मन कायल होता है जब वो बाइबल नहीं पढ़ते, किन के अंदर मन कायल होता है उनका जब वो प्रार्थना नहीं करते। अगर आपके अंदर ऐसा होता है तो इसका मतलब परमेश्वर का जन है आप, परमेश्वर के जन है। आपके अंदर आत्मा है परमेश्वर का। yes. आपके अंदर आत्मा है परमेश्वर का। yes. आप परमेश्वर की आत्मा से भर चुके हैं। yes. आप किसी को अगर गुस्सा करते हैं, उसके 5 मिनट के बाद अगर आपको अंदर से कायल होता है, इसका मतलब परमेश्वर का जन है आप, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप गाली देते हैं, अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अगर आपको उसी समय पछतावा होता है, तो इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आप गुस्से में आ गए हैं लेकिन आपको इस समय माफी मांगने का दिल कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से कायल कर रहा है। yes. आपको अंदर से कायल कर रहा है, उसका आत्मा आपके अंदर है, आप परमेश्वर के जन है। कोई माई का लाल आपकी आशीष को नहीं उखाड़ सकता, याद रखना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी प्रेजेंस में नहीं, अपनी प्रेजेंस को लेकर चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी प्रेजेंस लेकर नहीं चलना चाहता, वो आपकी उपस्थिति नहीं लेकर चलना चाहता, वो आपके पैसे को लेकर नहीं चलना चाहता, वो अपनी प्रेजेंस खुद आपके साथ लेकर चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप प्यार कर रहे हैं, एक आदमी था मेरे पास, आपको स्टोरी बता रहा हूं उसकी, मुंबई का था और बड़ा कर्जा हो गया उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का, और उसकी पत्नी और वो दोनों जहर खाने के चक्कर में थे। उसकी पत्नी बार बार बोलती थी, कहती कि ये प्रॉफिट विजेंद्र का लाइफ चलता है, इससे हम मिलने के लिए चले। कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कहता मैं नहीं जाऊंगा। ठीक था और उसी समय, लेकिन ऐसा इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे चला गया, और जिस दिन मैं बॉम्बे चला गया होटल में, तो आप वो उसको जानते हैं वो कौन है, वो है? कौन थी मिलने आई थी होटल में? राखी सावंत। हाँ तो बता देना, कुछ गलत सोच लेंगे नहीं तो। ये राखी सावंत वो जो मुझे मिलने आई, वो मेरी बहन बनी हुई है, परमेश्वर उसको आशीष दे। जब वो मिलने आई तो उससे पहले एक आदमी मिलने के लिए आया, वो बता रहे थे, वो कह रहे थे पापा अगर हमें आज आप अपॉइंटमेंट ना देते, हम अपने बच्चों समेत समुद्र में छलांग लगाने वाले थे, इतना कर्जा था, इतनी प्रॉब्लम है। कह रहे आप कह रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो इस समय, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हो तुम। yes. मैं तुम्हारे लिए नबूवत कर रहा हूं, कोई तुम्हारा बाल का बांका नहीं कर सकता। मैंने कहा तू जा, मेरे एयरपोर्ट से उतरने के बाद गवाही आएगी। मैं जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरा, उसकी गवाही आई, बोलता है मेरा 50 करोड़ वापिस आ गया यीशु मसीह का। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है, लेकिन उसको मैं आज तक ढूंढ रहा हूं कहां गया। यार पता नहीं क्या चक्कर है, अशोक हंसता है तो ऐसा हो जाता है। सारे बोला हालेलुया। मैं तो नंबर नहीं लेता किसी का, इनको सिखाया हुआ है, आंख भी मारता हूं नंबर ले लो समझते नहीं है। सारे बोला हालेलुया। फिर ढूंढते रहते हैं, वो हमें ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम तो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते रहेंगे, कुछ मिले या ना मिले।
मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा आज, कह रहा है कि आज जो निस्वार्थ जी रहे हैं परमेश्वर के लिए, जो लालच के साथ नहीं है। उत्पत्ति की किताब में कह रहा 3:9 में लिखा कि परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को, कह रहा है कि आज कह रहा है परमेश्वर की प्रेजेंस किसके अंदर आएगी। उत्पत्ति 9 में लिखा कि परमेश्वर ने आदम को सबसे पहला अपना मंदिर कहा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरंथियों 6:10 में देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, पहला कुरंथियों 6:10 में, यस ठीक है 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो जो तुम में बसा हुआ है, तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो आज से। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम को अपना मंदिर बनाया, आदम के शरीर को अपना मंदिर बनाया। लेकिन लोग बोलते हैं अच्छा पहाड़ों पे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, चर्च में जाएंगे, फलाना करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तो आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगी। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। हाँ 3 बच्चे आओ फटाफट, इधर गंजे इधर आ जाओ जल्दी। हाँ 3 आ जाओ, कोई भी आ जाओ जल्दी आ जाओ, फटाफट फटाफट जल्दी करो। देखो आपको देखना है, इसको समझना है स्क्रीन पर। ये है लोमड़ी और ये है शेर, शेरनी और ये है लेडीज। लेडीज के बाल नहीं होते आजकल, सुनो। और जब मैं इसको लात मारूंगा, देखो ये कहाँ जाएगी, गुफा में लोमड़ी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई है। चल ये प्रेग्नेंट है लोमड़ी, चलना इधर। अबे लोमड़ी चलती कैसे है, हाँ ऐसे चलना लोमड़ी। ये कहाँ गई, ये अपनी गुफा में गई है बच्चे को जन्म देने के लिए, क्योंकि इसको पता है बाहर जन्म नहीं देते। शेरनी को भी पता है ये भी प्रेग्नेंट हो गई है, और ये भी कहाँ जा रही है, अपनी गुफा में, ये जन्म देने के लिए जा रही है। और औरत को भी पता है प्रेग्नेंट हो गई है, चल। औरत कहाँ जा रही है प्रेग्नेंट होने के बाद, हॉस्पिटल में, अपने कमरे में। इंसान को मालूम है कि बच्चा जन्मने के लिए छत चाहिए। लॉयन को मालूम है कि मुझे छत चाहिए, गुफा चाहिए। इस लोमड़ी को भी पता है मुझे गुफा चाहिए। लेकिन परमेश्वर भी यही बात कह रहा था। यीशु मसीह जब आया, उसने कहा, कह रहा कि मेरे पास तो, कह रहा लोमड़ियों के पास तो, कह रहा रहने के लिए जगह, इंसान के पास भी छत है, लेकिन कह रहा है मनुष्य के, परमेश्वर के पुत्र के पास तो, कह रहा एक भी जगह नहीं है धरती के ऊपर। कह रहा इसलिए, कह रहा जो आज करके अपने मन में नए सिरे से जन्म लेगा, एक नया मसीह आज उसके अंदर जन्म लेगा। आमीन। उसको जगह चाहिए आपके अंदर, उसको भी बच्चा, एक नया मसीह पैदा करने के लिए आपका शरीर चाहिए चर्च। yes. इसलिए उसने कहा, करा तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा शरीर हो। yes. तुम मेरी देह प्राणात्मा हो। करा समझ में आया बात, आपको क्यों बुलाया जाता यहाँ पर, धर्म बदलने नहीं बुलाया जाता, क्योंकि परमेश्वर को आपके शरीर की जरूरत है। yes. एक नए मसीह को जन्म देने के लिए परमेश्वर को उसके अंदर आना पड़ता है। yes. उसके अंदर आना पड़ता है, वो नंगे में नहीं रहना चाहता। कोई औरत सड़क पर बच्चा पैदा करती है, कोई लोमड़ी सड़क पर पैदा करती है, वो भी गुफा ढूंढती है, लॉयन भी गुफा ढूंढता है, जानवर भी ढूंढते हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर भी कह रहा आज तुम्हारे अंदर जगह ढूंढ रहा है। हालेलुया। एक नया मसीह आज पैदा होगा। आमीन। एक नया मसीह जन्म लेगा। यस। कह रहा मैं किसको आज एक नया मसीह बनाकर जाऊं, ऐसी आत्मा कह रहा आपको ढूंढ रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि आत्मा जब आता है, कह रहा है और अगर अब तुम परिवर्तित हो गए, अगर तुमने पहले वाला स्वभाव छोड़ दिया, तो कह रहा है तुम आज के बाद कोई और ही मनुष्य हो जाओगे। आमीन। बच्चे आईएएस अफसर बनेंगे। यस। मुंह मांगा वरदान मिलेगा। आमीन। शाऊल राजा बन सकता है, तो तुम राजा क्या, तुम महाराजा नहीं बन सकते, तुम भी राजा बन सकते हो यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। तुम भी बड़े बड़ी पोस्ट पर बैठ सकते हो। यस। आज विश्वास करना, आज आपको कह रहे परमेश्वर को
जन्म लेना जरूरी था, हालेलुया, इस धरती पर आना जरूरी था, इसलिए वो एक शरीर को ढूंढ रहा था। आज भी वो सुसमाचार, लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे ऐसा कनाडा ले जा, मुझे अमेरिका ले जा, परमेश्वर कहता क्या करेगा, कहता मैं आपके लिए रिवाइवल लेकर आना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, मैं पास्टर बनूंगा। पास्टर इसलिए बनते हैं आधे लोग के परमेश्वर मुझे अमेरिका भेज दे, कनाडा भेज दे, आज मुझे इंग्लैंड भेज दे, आज मुझे वहां भेज दे, और मैं इतने साल से मांग रहा था, मुझे कहीं नहीं भेजा परमेश्वर ने, लेकिन इसलिए मांगते हैं वो, कह रहे कि परमेश्वर मुझे, मैं रिवाइवल लेकर आऊंगा आपके लिए वहां पर। परमेश्वर कहता यहाँ नहीं रिवाइवल लेके आया, वहां क्या लेके आएगा, लेके आएगा, पहले रिवाइवल अपने अंदर लेकर आना है आपको, पहले अपने अंदर अपने आप को चेंज करना है। इसलिए उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, और जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। लेकिन इस समय करा आदम ने, करा आदम को परमेश्वर ने कहा, करा कि आदम तू कहाँ है, 3:9 में उत्पत्ति में जब हम देखते हैं तो उसी समय आदम को परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ है, इसका मतलब क्या था, क्योंकि आदम की स्पिरिचुअलाइज खुली थी, लेकिन शैतान ने उसे पाप करा के उसकी आंखें बंद करा दी। और इसी समय आज हो सकता है आपके ने भी पाप करके वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को दर्शन नहीं दिखते, बहुत सारे लोगों को स्वर्गदूत नहीं दिखते, मैं दूर से देख लेता हूं कि वो बंदा वहां पर खड़ा है, हालेलुया, वो स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं, मैं कह रहा हूं मैं आपको दूर से देख लेता हूं कि ये डेट में, ये टाइम में आपको बच्चा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, मैं देख लेता हूं दूर से एलिशा की तरह। मैं आपको कह रहा हूं कि आदम ने वो पाप करके अपनी स्पिरिचुअलाइज को खो दिया, लेकिन याद रखना कि उसने अपने कानों को नहीं खोया, हालेलुया, उसके कानों में आवाज आती थी, बोलता था, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि सुनता है तुझे, बोलता मुझे सुनाई पड़ता है। याद रखना अगर आपने आंखों से अच्छा नहीं देख पा रहे, हो सकता है आप दर्शन नहीं देख पा रहे, हो सकता है आप यीशु को यहाँ खड़े ना देख रहे हो सकता है आप यीशु मसीह का स्वर का दर्शन नहीं देख पा रहे, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आदम की तरह सुनाई देगी, यीशु मसीह सुनाई देगी परमेश्वर की आवाज, लेकिन आपकी आंखें अगर आदम की तरह करा उस पर लगी रही, हालेलुया, अगर आपकी आंखें करा के परमेश्वर की आत्मा पर लगी रही, हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, दो गिलास लेकर आ पानी के, हाँ गंजे खड़ा हो जा, दो जने देखो, अब मैं इन दोनों को दौड़ा रहा हूं गिलास लेकर, ये गिलास में से पानी गिरना नहीं चाहिए और तुमने दौड़ना है, ठीक है, चलो दोनों दोनों दौड़ो 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 दौड़ो, वो देखो दौड़ गया दौड़ गया दौड़ गया दौड़ गया दौड़, अबे दौड़ना सामने देख के दौड़ना, हाँ तू आराम, हाँ उधर देख, सुनो इसका पानी गिर गया कि नहीं, और इसका पानी नहीं गिरा, हालेलुया, देख रहे हैं इसका पानी गिर गया और इसका पानी वहीं का वहीं है, क्यों नहीं गिरा पता है आपको, क्योंकि जब भूकंप आया, मुसीबतें आई, प्रॉब्लम आई, तो ये व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन की ओर नहीं देखा, संसार की ओर देखा, भूकंप आ गया भाग ले है ना, और इसके पास जब गंजे के पास प्रॉब्लम आई तो क्या हुआ, भूकंप आया, आंधी आई, तूफान आया, तो एक गंजा तो भी परमेश्वर के वचन की तरफ देख रहा था, कोई बाल का मांका नहीं हो सकता ऊपर नहीं उठा रहा है, कोई बाल का मांका नहीं हो सकता, परमेश्वर का वायदा है, अरे ये आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, इसकी नजरें यही हैं, अरे आदम के साथ गलती हुआ, आदम बहकाए में आ गया और उसने परमेश्वर के वचन को छोड़कर ऊपर देखने कर दिया और वो पाप में गिर गया, लेकिन आज आपके लिए सीखने के लिए बात है ये, करा अपना ध्यान बाइबल में लगा कर रखना, आप वादा परमेश्वर का याद रखना, कोई आग तुझे झुलसा ना सकेगी, कोई पानी तुझे डुबा ना सकेगा, क्या लिखा है यशायाह 45:2 में, पढ़ के बता पास्टर, बड़े बड़ा गुस्सा आता कई बार, यस 43:2, हाँ, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, कोई नदी तुझे डुबा ना सकेगी, कोई आग तुझे झुलसा ना सकेगी, याद रखना ये लड़का साथ वाला क्या कर रहा था, ये चर्च भी आता है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन इसको पता लगा बीमारी है, समस्या है, और जिस समय प्रॉब्लम आ गई है, भाग रहा है इधर उधर देखकर, बाइबल छोड़कर भाग रहा है, इसको पता है
परमेश्वर को पता लग गया इसका ध्यान मेरे वचन पर नहीं है, इसने आत्मा नहीं पाया हुआ है। और आत्मा पाए हुए लोग कुछ मिले ना मिले इस गंजे की तरह देखते रहते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मा पाए लोग करे कोई भी झूठी भविष्यवाणी कर दे, आत्मा पाए हुए लोग चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, वो घबराते नहीं है, वो फिर भी वचन की ओर पढ़कर भरोसा रखते हैं। आज आपको वचन की ओर पढ़कर भरोसा रखना है। क्या रखना है? कि भरोसा रखना है कोई आग, कोई बीमारी, कोई कर्जा मुझे डुबा ना सकेगा। यस आमीन। कोई करा कोर्ट केस मुझे डुबा ना सकेगा। चर्च आमीन। करा कोई परिस्थितियां मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। यस आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, शद्रक मेशक करा के उस समय में उन्होंने आग में डाल दिया, आग की भट्टी में। और उसी समय जब उनको आग की भट्टी में डाला तीनों को, तो उसी समय वो दोनों खुश हो रहे थे। राजा ने कहा ये खुश क्यों है, इनको इस समय आग में भी डाल दिया, लेकिन इसको देखता हूँ क्या बना इनका। सुबह उठकर उसने ढक्कन खोलकर देखा, क्योंकि वो आत्मा पाए हुए लोग थे, उनका भरोसा इस वचन पर था कि कोई नदी तुझे डुबा ना सके, क्योंकि आग तुझे जलसा ना सकेगा। याद रखना, अगर आज आप विश्वास के साथ करा के आप बाइबल की ओर देख रहे हैं, आप यीशु की ओर देख रहे हैं, तो आत्मा पाए हुए लोग यीशु पर भरोसा रखते हैं। ये गिलास की ओर देखता हुआ जा रहा था, इसलिए इसका पानी नहीं गिरा, लेकिन दूसरा गिलास की ओर नहीं देख रहा था और इसमें दौड़ता जा रहा था, उसका पानी गिरता जा रहा था, उसका विश्वास गिरता जा रहा था। अगर आज आप अपने अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर रखेंगे, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, मैं कह रहा हूँ बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आज हो कर जाएगा यीशु मसीह का नाम। कह रहा कोई शैतान आपके हिम्मत नहीं है कि आपको, कोई माई का लाल आपकी आशीषों को रोक नहीं सकता। यहाँ पर कह रहा शद्रक मेशक अबेदनगो कह रहा तीनों जब आग की भट्टी में फेंक दिए गए, तो उसी समय राजा जब सुबह उठकर आया, उसने कहा कह रहा आप तो मर गए होंगे, लेकिन क्या बैठे क्या हो गया, क्या हुआ? कहता मैंने तो तीन डाले थे अंदर, करा चौथा कौन आ गया? करा ध्यान से देखो कौन है, करा उसकी शक्ल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। कौन था उनके साथ? खुदा की प्रेजेंस थी उनके साथ। क्यों थी उनकी प्रेजेंस? क्योंकि यीशु मसीह जानता था उन लोगों को कि ये वचन पर भरोसा रखते हैं, ये आत्मा के चलाए चलते हैं, ये पाप नहीं करते, आज ये बदल चुके हैं। याद रखना, अगर आप बदल चुके हैं, परमेश्वर आज रात आपके साथ चलने वाला है। यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने एक रात मूसा को पहाड़ी पर बुलाया और उसको कहा, मूसा करा कि मैं चाहता हूँ तू 144,000 लोगों को कनान देश में लेकर जा। और उसी समय मूसा ऊपर गया, बोलता है ठीक है आपकी आज्ञा मैं मानता हूँ। लेकिन मूसा ने क्या कहा परमेश्वर को? बोलता है परमेश्वर कहता है कि मैं चलूंगा, लेकिन तेरी प्रेजेंस मेरे साथ रहेगी, तो लेकर जाऊंगा, मैं तो लेकर जाऊंगा, तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर अपना एड्रेस चेंज कर, अपना एड्रेस चेंज कर। जब देखता मैं सोन पहाड़ी पर बुला लेता है, जब देखता मैं पहाड़ी पर बुला लेता है, जब देखता पहाड़ी पर आ जाओ, जब देखता पहाड़ी पर आ जाओ, पहाड़ी पर आ जाओ, जब देखता मंदिर में आ जाओ, पहाड़ी पर आ जाओ। उसी समय बोलता अपना एड्रेस चेंज कर, मेरे बस की बात नहीं है। कहता मैं इतनी दूर कनान देश जाऊंगा, फिर 40 साल जाने के बाद कहता फिर वापिस आऊंगा पहाड़ी पर। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा ठीक है, अगर इजरायली लोग कह रहे आज से अपने मन को परिवर्तित करें, कह रहे कि नए सिरे से जन्म लें, तो कह रहे कि मैं अपना एड्रेस चेंज करता हूँ, मैं आज पहाड़ों पर नहीं, मैं आज मनुष्यों के अंदर मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अरे मैंने PhD डॉक्टरेट किया है बाइबल के अंदर, मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिशप हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रोफेट अलग हूं। मैं चाहूं तो आपको अगले संडे में आपको चोला पहनकर दिखा सकता हूं मैं बिशप हूं, लेकिन मैं, मेरा जन्मदिन है, सॉरी, उसके अगले संडे आएंगे चोला पहनकर। आपको बता रहा हूँ, आपको समझना है कि यीशु मसीह अब वहाँ नहीं, परमेश्वर वहाँ नहीं, पहाड़ों में नहीं, मंदिरों में नहीं, चर्चों में नहीं, सुन रहे हो कि नहीं, आपके कह रहा मस्जिदों में नहीं, आपके पत्थर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं। कहता कहाँ मिल रहा है? कह रहा चर्च आपका मन, आपका मंदिर, आपका सब कुछ, आपका हृदय। हालेलुया। आपके मन में वास करना चाहता है। yes. आपकी देह में जन्म लेना चाहता है। एक नए सिरे से जन्म ले रहे हैं जितने आज परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर कह रहा है मैं आज स्वर्ग से एड्रेस चेंज करूंगा, आप जहां जाएंगे आपके अंदर आ जाऊंगा आज से। आमीन। आप कामयाब होंगे, लिखा कामयाब होंगे। यीशु को कहा जा, आज से तेरे हाथ के काम सफल होंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी आज रात आपके साथ
आपके हाथ के काम सफल होंगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने कहा करा कि तेरे साथ चलूंगा, मैं चलने का फायदा था। और इसी समय मूसा जब जंगल में जाना था तो बाइबल बोलती है करा कि उनके एक भी कुर्ता फटा नहीं, उनके कुर्ते फटे नहीं, 40 साल जंगल में चलते रहे वो, एक भी कपड़ा उनका मैला नहीं हुआ, कोई रिंटिक या साबुन लेने नहीं पड़ी उन्हें, उनके सैंडल खराब नहीं हुए। आज आप औरतों के पास चले जाओ, इन्हें 11 किलोमीटर क्या 1 किलोमीटर सब्जी लेने भेज दो, अपने पति को बोलेंगे देखो मेरा सैंडल टूट गया। इनके घर में चले जाओ, पति के पास 3 जूते होंगे, इनकी औरतों के पास 100 जूतियां होंगी, एक ऊंची वाली सैंडल, एक नीचे वाली सैंडल, एक ऐसी सैंडल, एक फ्लैट सैंडल, एक वैसा जूता, एक वैसी चप्पल, एक ऐसा चप्पल, एक पर गोल्डन चप्पल, एक सिल्वर चप्पल, एक काली चप्पल, एक भाई साहब पता नहीं कितनी चप्पल है इनके पास। कह रहा चप्पल ही चप्पल, आदमी ताड़ी बजा रहे हैं। कह रहे कि सुन रहे हो कि नहीं, देख लेना इनके घर में कितनी चप्पल है। आदमियों का सिर्फ 3 तरह का जूता होगा, लेकिन इनके भाई साहब काला सूट के साथ ग्रीन साड़ी के साथ ग्रीन चप्पल, सिल्वर साड़ी का सिल्वर चप्पल, पीली साड़ी का पीली चप्पल, अरे लाल साड़ी का लाल चप्पल, काश काली चप्पल भी होती है। सुन रहे हो, लेकिन चप्पल जो है टूट गई है, घिस गई है। क्यों घिस गई है? अरे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है ना। लेकिन लिखा इसराइली जब चल रहे थे, जब उनके बच्चे 10 साल के थे, जब वो चलते चलते 40 साल के हो गए, उनकी चप्पलों का साइज भी बढ़ता चला गया। हालेलुया, उनकी कुर्ते का साइज भी बढ़ता चला गया, उनका कपड़ा ना फटा ना उनकी चप्पलें फटी, बरकत रही क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में थे वो लोग। Yes. अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलोगे चर्च, याद रखना एक भी जन यहाँ पर कर्जे में नहीं रहेगा। आपका आज रात कुछ भी फटने वाला नहीं है। आमीन। आपके कपड़े फटेंगे नहीं। Yes. आपके चप्पल फटेंगे नहीं। Yes. आपकी आशीष फटेगी नहीं। जितने आमीन बोल रहे हैं आज, आमीन, उनकी आशीषें खुल रही हैं आज रात। आमीन। क्या तैयार हैं आज? Yes. रास्ते में कपड़े फाड़ने के लिए, चप्पल फाड़ने के लिए तैयार हैं आप? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? कह रहा कि जिसके ऊपर मेरी प्रेजेंस आएगी, देख लेना 3.5 महीने के अंदर आपके बिजनेस में एक भी घटी नहीं होगी। Yes, amen. आपके कपड़े एक भी मैला नहीं होगा। Yes, amen. आपके घर में बरकत रहेगी। Yes. आपका फ्रिज बरकतों में होगा। Yes. मेरे पास एक फ्रिज है, 14 साल से वो फ्रिज अब तक खराब नहीं हुआ, दान देना पड़ा। मेरे पास एक कार है, 2008 में ली थी, एक बार भी खराब नहीं हुई। मैंने कहा यार पुरानी जाएगी, नई कहाँ से आएगी, पास्टर को दान दे दी। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मेरे पास आज भी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे कपड़े मेरे जूते फटते नहीं हैं, मेरी चीज़ें फटती नहीं हैं। आप समझ रहे हैं, ये परमेश्वर है। अगर आपकी आशीष फटी हुई है, आज रात फिर से जो आप आदम को नहीं मिला, आदम ने नहीं देखा, परमेश्वर ने कहा अगर तुम नए सिरे से जन्म लो तो याद रखना कि आदम नहीं देख पाया, लेकिन तुम देख पाओगे, तुम उसका मंदिर हो। आमीन। तुम उसका मंदिर हो, तुम देख पाओगे। आज अपने हाथों को उठाओ आज, और जो देखना चाहते हैं आज परमेश्वर से, आज आप कहो परमेश्वर आज से फैसला लेते हैं कि पवित्र आत्मा जी आज से तेरे चलाए चलेंगे। Yes, तेरा आत्मा मेरे ऊपर आने पाए। Yes. आज परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर पवित्र आत्मा जी। आज मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, शद्रक मेशक को दानियल की नजर करा प्रभु पर थी, वचन पर थी, और कोई आग उन्हें जलाने ना पाई क्योंकि उन्होंने उद्धार पा लिया था। आज अगर तुमने उद्धार पा लिया है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है उसने उद्धार पा लिया है, उसके एक भी भली वस्तु की घटी ना होगी। याद रखना एक को भी टुकड़े मांगने ना पड़ेंगे। पवित्र आत्मा में हाथ उठाने वाले लोगों के लिए, पश्चाताप करने वाले लोगों के लिए आज मैं समय आज प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को उठाऊ, बोलो परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गलती हुआ मुझे माफ कर, मैं आज से अपने हृदय में नए सिरे से जन्म लेता हूँ, आज से मैं आत्मा के चलाए चलूंगा। परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ, मैं समझ गया हूँ तेरी प्रेजेंस कैसी आएगी। मैं चर्च आया करूंगा, मैं बाइबल पढ़े बगैर प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर ना निकलूंगा, मैं तबले बजाऊंगा गीत गाऊंगा, अपने मन में तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ रहेगी चर्च। और जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर आज रात के बाद इनके घर में जो खो गया है वो वापिस आने पाए, जो आदम नहीं देख पाया ये देखने पाए। Yes, amen. क्योंकि ये तेरा मंदिर है परमेश्वर। Yes. उनके अंदर वास करता है। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज से इनके बेटे बेटियों का फ्यूचर बन जाए। Yes, amen. आज से ये आशीष को पाने पाए। Amen. आज उद्धार करता इनके अंदर जन्म लेने पाए यीशु मसीह के नाम। आशीषें खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो आमीन, आमीन। आज आप समझ रहे हैं जिसके अंदर उद्धार नहीं है उसके बच्चे लंगड़े टूंडे पैदा होते हैं। याद रखना
जिसके अंदर उद्धार है, जिसके अंदर आत्मा है, उसके बच्चे लंगड़े टूंडे पैदा नहीं होते, हो गए। लेकिन आज से आपके वंश पर स्टॉप लग गया। आज के बाद यह भविष्यवाणी आपके लिए, सुन रहे हो, यह भविष्यवाणी आपके लिए, आपके बच्चे टूंडे पैदा नहीं होंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर परमेश्वर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आज? सिट डाउन। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं जिन जिन लोगों की तरफ देख रहा हूं, आपके फ्यूचर खुल गए हैं, हालेलुया, आपकी आशीषें खुल गई हैं, आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आमीन। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आप आजाद हो जाएंगे, आमीन। आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि आपके ऊपर आत्मा आ गया है आज, यस। आपके अंदर प्रेजेंस आ गई आज, यस। यहाँ पर निक्कू कौन है? निक्कू, निक्कू, हाँ, हालेलुया। देखा, प्यार करता है परमेश्वर आपसे। मैं वेदी पे प्रार्थना किया, पापा जी मेरे को बुलाए, वेदी पे प्रार्थना किया, हाँ जी, हाँ जी, जब आया तभी किया मैं, प्रभु मुझे बुलाए। देखो कैसे हो रहा है, परमेश्वर का प्रेजेंस है, परमेश्वर का प्रेजेंस है यहाँ पर। सारे बोले हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, बाहर निकालो इसको। दिनेश कौन है? दिनेश, हाँ, कम है, हालेलुया, हाँ हाँ, कैमरामैन, हाँ हाँ, तू उधर जा बेटे, उधर खड़ा हो जा। अरे आप होली स्पिरिट मुझे जिसके नाम ले रहा है, देखो क्या हो रहा है, आत्मा है। हालेलुया, उसको बेचैन कर रहा है, बेचैन कर रहा है, बेचैन कर रहा है, हालेलुया। देख मेरी तरफ, मेरी आंखों में देख, खड़ा होकर देख। पता क्यों नहीं देख पा रहा वो? क्योंकि इसके अंदर भूतड़ी, इसके अंदर शैतान है, और मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप परमेश्वर के चलाए चलें, तो बहुत जल्दी आप बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। मौजिज़े 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 मौजिज़े। हालेलुया। हाँ, उसको पकड़ के दोनों हाथ पकड़ो, उठाओ। हाँ बेटे, खड़ा हो जा। अब सुनो बेटे, मेरी इधर देखो, इधर आओ, कम है, कम है, सुनो, आपके ऊपर, हाँ, कौन है आपके साथ, कौन है? हाँ, कम यार, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, जो भी आपके साथ है, सुनो 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 सुनो। हाँ बहन, माइक कर इसकी मम्मी के पास, मम्मी है, मम्मी है तुम्हारी ये, सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, आपके पति के लिए कुछ हड्डियाँ चढ़ाई गई हैं, हड्डियाँ, ब्लैक मैजिक, जिसके कारण इसे रोज रोज लोग दिखा भी देते हैं, अपने आप बातें करता है, गुस्सा करता है, अपने आप घर से भाग जाता है, अपने आप हरकतें करता है, काम छूट जाता है, जी सही कह रहा हूँ मैं? जी, जब तेरी शादी हुआ तब से देख रहा हूं मैं दोनों को। शादी को कितना टाइम हो गया तुम्हारी? 20 साल होगी सर। 20 साल का तो मैं जब हुआ भी नहीं था पैदा। सुन रहे, इसका मतलब कौन है यहाँ पर? मैं तो अभी 20 साल का ही हूं। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, सुन रही है तू? जी, मैं कार्ड पर देख रहा हूं, चुप कर, चुप कर, पुतड़ी, चुप, सुनो, सुनीता जी, मेरा नाम है प्रोफेसर। मौजिज़े 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 मौजिज़े। सुनो, इसकी बॉडी में पेन होता है, इसके है बेटे, अरे दिनेश, आपकी बॉडी में पेन होता है, पूरी बॉडी में, बदन में आपके प्रॉब्लम होता है, पूरी बॉडी में, पेट में स्टमक प्रॉब्लम होता है, बच्चा स्टडी में आप चाहते हो माइंड चेंज हो जाए इसका, कुछ माइंड में पढ़ता है, नहीं रहता, सही कह रहा हूँ, इसको लेकर चिंतित है, मुझसे छोटा है वो, पढ़ने नहीं जाता है, हाँ माइंड चेंज हो गया, इसे छोटा है, पढ़ने नहीं जाता है, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, बच्चा है,
और इसी समय प्रॉब्लम है, आप घर जाओगे वो बच्चा इस साल के अंदर टॉप करेगा, पढ़ेगा इस साल, आप आशीष देखोगे, ये आत्मा है, ये आत्मा ट्रांसफर हो रहा है, आप भविष्य साउंड वाले के 5,000 काट लो, आप भविष्यता के पास आए हो, सुन रहे हो मेरी बात? और क्या लिखा, शाऊल को आदेश दिया गया, नबी की टोली में जा और वहां तेरे लिए भविष्यवाणी होगी और करा के तू पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में पहला चर्च होगा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, कालों में गौरों में किसी में भी, घोषणा करता हूं सबसे ज्यादा आशीषित चर्च होगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, प्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में, आप आशीष को देखोगे, ये परमेश्वर है। एक सांप तेरे बॉडी पर चलता है और मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय निकल जाए वो सारी सांप और बिच्छू, आज के बाद आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब देखना गुड न्यूज मिलेगी बहन, आज से आजाद हो रही है, लेकिन तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम कर रहा है शैतान। जी सर, सही कह रहा हूँ? जी, मेरे को कैसे मालूम? देखो अभी वो निकल रहा है और आशीष आ रही है, मैं तरफ देख, आउट, निकल जा, फायर, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में, हालेलुया। उंगलियों के साथ करो उसको, आदमी किधर गया, किधर गया, किधर गया, डूब गया, खड़ा करो उसको, खड़ा हो जा, कहां कहां, दिनेश 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 दिनेश, सुनो दिनेश, लेबर का काम करता कोई? हां मैं ही करता हूं, मिस्त्रीगिरी, मिस्त्रीगिरी करता है। हां जी, सही बता, मिस्त्री है के लेबर का काम? मिस्त्री हूं, मिस्त्री मिस्त्री, हां उसको लेबर ही बोलते हैं, हां मिस्त्री का। आज से तेरे काम में परमेश्वर की सामर्थ्य ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारे फाइनेंस में बढ़ता चला जाएगा, आमीन, बहुत आशीषित होता चला जाएगा, आमीन। ऐसी ऐसी कोठियां बनाएगा, लोग तुझे बोलेंगे, फोन करेंगे, क्योंकि तेरा माइंड अपसेट है। क्या हो गया, अगर गिर जाएगा तो? सुनो, सारे बोलो हालेलुया, हाँ हाँ विश्वास करो, निकू आओ मेरे साथ, आप सुनो क्या करते हो आप? हम भी लोहे का काम करते हैं, हम भी आदमियों को, सुनो बाइबल में लिखा लोहा लोहे की संगति करने से चमक जाता है, पता ना तेरे को लोहे का काम करता है, लोहा लोहे की संगति करता है तो चमक जाएगा कि नहीं? और जो भविष्यता की संगति करता है तो वह चमकने वाला है, मसीह का नाम, समझ रहे हैं? बाइबल बोलती है इस बात के लिए। चलो मेरे साथ चलो आप, 1, 2, 3 बिहार वाले, मंडी को बड़ी में क्या कर रहा तू है? चलो मैं तेरे को आज कहाँ भेजूँ, बोल जल्दी बोल, जहाँ भेज दो। क्या, चलो हम सैर करते हैं, खाना खा के भी सैर कर रहे हैं, कलीसिया अब मौजिज़े ओ भी खोंदाए, मौजिज़े तीन कर रहा हूं, 1, 2 सुनो सुनो सुनो, ए माइक कर ऐसे, ओए क्या कर रहा है, सुनो काली चप्पल कहा था, काला क्यों कर रहा है? सुनो आपको बता रहा हूं कि आपके ऐसे बगदूल बगदूल बाड़ू बाड़ू मेरे पिताजी 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 आपका पिताजी है प्रोफेसर, हालेलुया हालेलुया जीसस। हां अभी सुन रहे हैं मेरे साथ, हैं जी जी, बाड़ू बाड़ू बगदूल बगदूल, सुनो पिताजी पिताजी हैं, हां जी, अभी अभी किस्मत जागने वाली है। तीसरा पैर रखो आगे, राजू कौन है? राजू, हां जो पहले था कौन है? राजू तो याद नहीं आ रहा, चला जा, 1 और 3 में देख, 2
और तीन आत्मा गया है चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ निकु में से निकल रहे हो तुम निकल रहे हो तुम निकलेगा चुपचाप बैठा था वहां पर तू क्या जानता था मैं तेरे को जानता नहीं हूँ हैं भूतड़ी इसके अंदर इतने साथ परेशान कर रही इसको लड़के बता इस कलीसिया में कौन चलता है नासरी कौन चलता है यहाँ पर कौन खड़ा इधर यीशु आंखें बंद है इसकी ये बोल रहा है अपनी कलीसिया कौन खड़ा मेरे पास कौन खड़ा है यीशु कौन खड़ा यहाँ पर यीशु चल भेड़ बकरी कौन खड़ा यहाँ पर यीशु कौन खड़ा है यीशु कौन खड़ा है यहाँ पर पता आपको खुदा की प्रेजेंस है यहाँ पर हालेलुया जीसस बेटे ऐसा वैसा पादरी नहीं समझना हालेलुया हालेलुया शैतान को दुड़ा दुड़ा के मारेंगे आज हालेलुया तुम्हारी बीमारियों को दुड़ा दुड़ा के मारेंगे आज तुम्हारी परिस्थितियां चेंज होंगी चर्च आमेन आत्मा आज तुम्हारे ऊपर आ गया है यस आमेन समझ रहे कि नहीं प्रेजेंस में चलने का है नहीं अरे चलने का है कि नहीं परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने का नहीं 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 शाम को फिर गुटखा खाना है यहाँ से निकलते ही प्रेजेंस में हो जाएंगे थोड़े से लोग चलो पादे चर्ची बोल्टर चाय तम्बाकू खाएंगे जाते ही बाहर सुनो और देखो इसको पता लग रहा है कि मेरे साथ यीशु मसीह चल रहा है कौन खड़ा इधर यीशु कैसे कपड़े पहने उसने चिट्टे कैसे बाल उसके गुगुलाले हैं गुगुलाले कैसे कैसे कलर है चिट्टे लाल सुनहरी हाँ तेरे को दिख रहे हैं दिख रहे हैं और आज तेरे को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटेंगे हालेलुया शोक के भी चुप रहा है हालेलुया मैंने आपको एग्जांपल दिया आज मेरे को शौक नहीं ऐसे ड्रामा करने का मैं बता रहा हूँ आपको ड्रामा नहीं है सच्चाई है ये हालेलुया उसको भी थोड़ी देर में पूछोगे पता नहीं क्या हो रहा था अभी बता यहाँ पर कौन है मैं कह रहा हूँ कि आप वो है आपके अंदर आत्मा है तो आप मसीह के जन हैं यस आप जहाँ जाएंगे आज के बाद आपकी परिस्थितियां आपकी बीमारियां आपसे भागने लगेंगी आमीन एक मजा आ रहा है एक बार और दौड़ाऊंगा इसको ठहर जा तेरी ऐसे की जीसस हालेलुया हालेलुया सुन रहे हो मैं आपके देखो मैं निकल रहा था मेरे पैर की तरफ देख फिनिश हालेलुया जीसस मौजूदे कलीसिया भी चलता अपनी कलीसिया ची चली दा फिर दा मौजूदे देख यीशु मसीह चल रहा देख छोड़ेगा इसको बोल छोड़ेगा इसको कि नहीं हाँ आएगा आज के अंदर क्यों पता लग गया मैं कौन हूँ नहीं सुनी हूँ मैं उसका दास हूँ पता तेरे को कौन है मेरे साथ हाँ हाँ आज की बात नहीं आएगा इसके अंदर काम छोड़ेगा इसके गोविंदगढ़ में राजा बनेगा अभी ये कमाएगा यार
फ्री हो जाए ये बच्चा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, परमेश्वर है ये। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो और परमेश्वर आपके साथ हो यीशु मसीह के नाम में। आज से आपको ऐसे चलना है, कोई नदी तुझे डुबा ना सकेगी, कोई आग तुम्हें जला ना सकेगी। आप समझ रहे हो, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है चर्च। आपको डर के भागना नहीं है कहीं से, आपको परिस्थितियों से डरना नहीं है, आपको मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। आप मुकाबला तलवार के साथ नहीं, अपनी बाइबल वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको इस साल के अंदर नहीं, इसी हफ्ते में बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। आमीन। बोलो आमीन सारे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस संडे नए जोड़ा पहन कराएंगे? यस। उसकी एंट्री नहीं है जो नया जोड़ा नहीं पहन कराएगा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने पति को बोलना है मुझे नया जोड़ा दिला। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कौन हो तुम? यीशु का मंदिर हो तुम। यस। यीशु का मंदिर हो तुम। यस। तुम्हारे जीवनों में आशीष आएगी अब से। आशीष मिलेगी इसी समय। हाँ हाँ, मैं हाथ रखते जा रहा हूँ और आशीष मिलेगी आपको। फटाफट जल्दी जल्दी। नाम विच यीशु, नाम विच, नाम विच यीशु, नाम विच, नाम अनॉइंटिंग। आपके पास एक अनॉइंटिंग आ रही है। लास्ट प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाओ। जिन लोगों ने इस समय प्रभु बोझ ले लिया, परमेश्वर उनको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु बोझ लेना शैतान की ताकत को लूज करना है। हालेलुया। yes. और इसी समय अभी अपने हाथों को उठाऊं, विश्वास करो। और इसी समय जिसके पास प्रभु बोझ, अपने हाथों को उठाऊं, ऊंचा करो, ऊंचा करो। प्रभु जी, वो रात जब तूने अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ी, yes. मेरे पिता परमेश्वर जिनके हाथ में प्रभु बोझ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मेरे पिता आगे आ जाए यार, इधर चढ़ जा, गंजे इधर हो जा। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ इस समय कि मेरे प्रभु जी, जो तेरी देह में से खाता है, तेरे लहू में से पीता है, वो आज आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसे इसका खाने का मतलब क्या है, इसे पीने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज से आप यीशु मसीह के हो चुके। यस। वो आपके अंदर आ चुका। आमीन। और आज से यीशु आपके साथ रहेगा। यस, आमीन। आप खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे। यस। जब भी मैंने इसको लिया, नई अनॉइंटिंग आई। यस। अपने माथे पर रखो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु आज से सारे पाप क्षमा हो हर एक जन के, यीशु के नाम में। आमीन। नया जीवन शुरू आज से यीशु के नाम में। नए सिरे से जन्म ले। yes, amen. इनको उद्धार मिले आज से परमेश्वर। amen. यीशु के नाम में। आमीन। yes, amen. खा सकते हैं आप, आशीष मिल रही है सबको। हालेलुया। मौजज़े 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 कानों के बहरे चंगे हो जाएं। मशीनें, मशीन देख रहे हो आप, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। अभी इसी समय सुनने लगे। उतार दे इसको। शिफा सामने जाओ, सामने आ, देखो शिफा शिफा। बिल्कुल कह रहा है, नहीं सुन रहा है। दो एक करना। सुन सुन, दो। कितना? दो। जोर से बोलो। हाँ जी। कितना? बार मत। एक। शिफा 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 शिफा। आप ये देख रहे हैं, ये है परमेश्वर का आत्मा, चंगाई देने वाला आत्मा। टोटल सुनता नहीं दोनों कानों से,
और अभी सुन रहा है, रिलीज सामर्थ को रिलीज करता हूँ। कहां से आए? हेलो, जोर से बोलो फटाफट। हैं हेलो हेलो नहीं, कहां से आए आप? मैं बिजनौर से, बिजनौर यूपी से आए। मैं उधर जा, रोने चलाने वाले उधर चल और उधर ले जा इसको, भूस के कोठे बंद कर दे। सुनो, बिजनौर, बिजनौर से कब से प्रॉब्लम है ये? कब से चल फिर नहीं पा रहे? 4 साल, 4 साल से। आज चलना चाहते हो जी? चलना चाहते हो जी? ये देख, सामर्थ्य आ रहा है, आत्मा तुझे छुए। नाम विच स्टैंड अप, जोर लगा, शाबाश। नाम विच, नाम विच, हालेलुया, नाम विच, हालेलुया, नाम विच, यस। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, नाम विच, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, नाम विच, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, सुनाम विच, उठ जा, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, चंगाई है, चंगाई है, ये आत्मा है परमेश्वर का। क्या ताड़ी बजा सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के लिए? सब कुछ, कमर के नट बोल्ट खुल जाए, तेरे किडनियां चंगी हो जाए, तेरे हाथ पैर कुल्ले सीधे हो जाए, यीशु के नाम में चलो। चल, डर मत, डर मत, डर मत। नाम विच, 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 हालेलुया। नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, ग्लोरी टू जीसस। नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, चलो चलो चलो, नाम विच, नाम विच, और अपने हाथ को उठाओ, नाम विच, करो जा, उठ जा, उठ जा, सब मैं कह रहा हूं, आत्मा आ चुका है, तारीफ करो आत्मा के लिए। हालेलुया। नाम विच, 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 राइकल, राइकल, नाम विच, नाम विच, राइकल, देख शांत हो जाओ। हां, संजय, 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 वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, तेरी पाइपें उतर जाएं, तेरी हड्डियां कमर की चंगी हो जाएं, पेट की नसें खुल जाएं, हाथ पैर सारे काम करने लगे, फ्री बॉडी, फ्री हो जाए। स्टैंड अप, जोर लगा, शाबाश, चल, बंधन टूटेंगे। पेशाब की थैली लगी हुई है, देख रहे हैं आप, शाबाश, चलो चलो, छोड़ो छोड़ो, चलो, हाथ को उठाते हुए, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, ग्लोरी टू जीसस, नाम से झगड़े छूटेंगे, यीशु मसीह के नाम से झगड़े छूटेंगे, यीशु मसीह के नाम से, यस, आके रो, यीशु जीसस। तारीफ करो, तारीफ करो, जोर से।
आत्मा पाया भाई, आत्मा आया भाई, प्रेजेंस है खुदा की इसके ऊपर। yes. चंगा हो रहा, चंगा हो गया ये तारीफ। हालेलुया। Yes. Glory to Jesus. सीधा चलो, शाबाश, चलो चलो। पहली बार उठ रहा है, पहली बार खड़ा हो रहा है व्हीलचेयर से। देखो सारा पकड़ना पड़ता था, हाथ पकड़ना पड़ता था। मैं छोड़ रहा हूं तेरे हाथ को, सीधा चल, सीधा मुंह करके चल, चल सीधा चल। शाबाश, ताड़ी बजाए इसके लिए जोर से। हालेलुया यीशु। चल रहे हैं कि नहीं चर्च? yes. मैं कह रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ है यहाँ पर। yes. आप बसा गया। Thank you, Jesus. आओ चलो बसाकी के साथ। देखो आपके सामने, हाँ चलो, कहाँ से आए आप? करनाल से, रडाना गांव से। चलो चलो चलो, चलते रहो। हाँ हाँ हाँ, ये कब से बसाकियां पकड़ी हुई, कब से प्रॉब्लम? चार पांच महीने वाली, छह महीने। क्या बोल रहा डॉक्टर? हाँ जी, क्या बोल रहा है? हाँ जी, क्या बोल रहा? ठीक नहीं हो पा रहा? हाँ, ठीक नहीं, प्लेट भी लग रही है, ऑपरेशन बोल रहा है, ऑपरेशन बताया। हाँ जी, फिर से कहा बंधन टूटेंगे, यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे, यीशु मसीह के नाम से जकड़े टूटेंगे। हाँ, हाथ पकड़ो इसका, हाथ पकड़ो, दोनों लड़के हाथ पकड़ो इसका, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। मैं शरापित करता हूं बसाखियों को, पर फ्री। हाँ हाँ, पकड़ के रहा, धन्यवाद। हाँ तो छोड़ दे, हाँ चलो, शाबाश चलो। अब हमारा छोड़ दो बैलेंस, चल शाबाश। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, ताकत आ रही है परमेश्वर की। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, गवाही के साथ फटाफट। हाँ हाँ, हालेलुया। ए लड़के में छोड़ो। प्रॉफिट जी, ये सालों साल से व्हीलचेयर पर थे, आज आपने ले हैंड प्रेयर किया, बता रहे हैं पैरों में जान आई है और व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगे आज। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, Glory to Jesus. कितने लोग देख रहे हैं जो नहीं चलते थे, वो चल रहे हैं आज। यस, दौड़ रहे हैं आज। मैं कह रहा हूं कि आपने देखा अभी, जो जन्म से सालों साल से चार चार पांच पांच महीने से बैठे थे, आप छोड़ दो चेयर को, खुद चलो। शाबाश, वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस वापिस इधर राइट साइड वापिस जाओ। चल बेटे, शाबाश, चल सकते हो तुम, चलो चलो, शाबाश। बादशाह, आशीर्वाद दे आदि मसीह के नाम में। आज मैं सबके लिए
प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय होली स्पिरिट आपको इसी समय मिराकल दिखाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊ, शाबाश। अभी बुलाऊंगा 5 मिनट के बाद आगे, और इसी समय रुमाल घुमाओ, शाबाश, रुमाल घुमाओ। जिसको प्रॉब्लम हो उसको आगे आने देना। पत्थरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, काला मोतिया बाहर जाए, चश्मे उतर जाए, कर दे के शराब टूट जाए, लंगड़े चलने लगे जो रुमाल घुमा रहे हैं, इसी समय घुमाओ, शाबाश, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, निकल आओ, निकल आओ। ऐ गंदी स्पिरिट इसी समय छोड़ दो इनको, इनके शरीर को छोड़ दो, निकल आओ, चीखते हुए चिल्लाते हुए निकलो, बार 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 बार, फ्री 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 फ्री। बादशाह 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 सर बाहर, लंगड़े चलने लगे, सर्वाइकल के मरीज चंगे हो जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए। मैं कह रहा हूं जिसको यूरिक एसिड है गले में, पैरों में प्रॉब्लम है, गिल्टियां है, बार फायर, निकल आओ, निकल आओ, तोड़ते हुए निकल आओ, इसी समय खाया पिलाया बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय फ्री हो जाओ। मैं देख रहा हूं अंधे चंगे हो रहे हैं, किसी के एक आंख से नहीं दिख रहा, वो देख रहा है। रुमाल रख लो अपने सिर पर, इसी समय जिस हिस्से में बीमार हो आप रख लो आज, और इसी समय अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, पत्थरियां बाहर, काला मोतिया जाए, गुंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, बोलो आमीन। इसी समय गेट खोल दे और निकल रहे हैं। देखो अभी इसी समय जिसको दुष्टात्मा की प्रॉब्लम हो रही है, पिछले पीछे से वो जवान, इसी समय निकलो, निकलाओ, निकलाओ, दौड़ते हुए इसी समय जादू टोने की आत्माओ, निकलाओ, 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 पार पार पार, निकलाओ, 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 पीछे से, पीछे से, पीछे से, दौड़ते हुए, दौड़ते हुए, निकलाओ, निकलाओ, फायर, आग आ रही है यहोवा की। सब बोलो, सब एक दूसरे के ऊपर बोलो, आग आए यहोवा की आज, आग आए यहोवा की आज, सारे बोलो आग आए मेरे ऊपर, यहोवा की आग आए, बोलो सारे बोलो यहोवा की आग आए, और वो सारे कीटाणु चल जाए आज यीशु के नाम में, आपके अंदर की बीमारियां चल जाए, यहोवा की आग आए, आग आए, फायर फायर फायर, अगले 5 मिनट में आजाद हो जाओ, निकल आओ, निकल आओ, नासरी के नाम में, उन शैतान के छत्तों में आग लगे जो छुपे हुए हैं, उन बीमारियों में आग लगे जो छुपे हुए हैं, वो कर्जे डालने वाली आत्मा जो छुपी हुई, आग लगे, आग आग लग रही है, जल जाए, वो मधुमक्खियों का छत्ता आपके अंदर से जल जाए आज यीशु के नाम में। एक बड़ी पावर को पाने पाओ, उछलो 3 बार, उछलो, पिछले उछलो, फिर से गाओ यीशु, अगले 2 मिनट में। अभी इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि एंजल आए हुए हैं आपके पास पास, और इसी समय रिसीव करो आमीन बोलकर आज, चेक करो जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। अभी किसी की गिल्टियां गायब हुई हैं, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, किसी के ऊपर ऑयल लगाया, अभी किसी ने कपड़ा लिया है, कोई उछल रहा था, उसके कंधा ठीक हो गया, उसके पैर ठीक हो गए,
कोई गुंगा बोलने लगा यहाँ पर, अभी कवाई बनी है किसी की, कोई अंधा था देखने लगा, कोई बहरा था देखने लगा, कोई व्हीलचेयर से खड़ा हो गया है, जिसकी गवाही बनी आ जाओ राइट साइड गवाहियों के साथ, फटाफट फटाफट जोर से तारीफ करो, जोर से। यीशुआ इसमें अपने हाथों को पकड़ो सब, जिसको चंगाई चाहिए दुष्टात्मा से प्रॉब्लम है खड़े हो जाओ और मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ झुंड का झुंड, मेरे सामने आ जाओ झुंड का झुंड, सामने आ जाओ सामने, मेरे पीछे से ले, मेरे पीछे से, मेरे सामने आओ, मेरे सामने, हाथों को ऊपर कर लो ऊपर, ए उधर कुछ नहीं होगा, इधर आना आओ, इधर सामने आओ, सामने आ जाओ सामने, वॉलंटियर को सामने कर, सामने आ जाओ जिसको चंगाई चाहिए, हाथ उठाओ शामाश बेटे, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, पांच मिनट रुक जा, पांच मिनट, हाथ उठाओ शाबाश, हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, मेरे पीछे बोलो यीशु, ए मेरे सामने आ, इधर इधर आओ, इधर हाथों को उठाओ, ऊपर करो ऊपर, चंगाई लेना चाहते हो ऊपर करो हाथ, बोलो एक दो, हाथ जल्दी करे, ये छोड़ दे, बोलो तीन, ये देखो आ गया यीशु, फायर, पेट पे हाथ रखो, पेट पर हाथ रखो, शाबाश, उठेगा ना कोई नीचे बैठ जा, पेट पे हाथ रख, पेट पे हाथ रख, पेट पे हाथ रख, शैतान तू यीशु मसीह के पैर के नीचे, मैं तुझे कुचल देता हूं, इनके पेट से कुचल देता हूं, चिल्लाओ और निकल जाओ, नीचे नीचे देखो स्वर्ग दूत आ रहे हैं, फायर, इसी समय आज के बाद सुनो, झुंड का झुंड आपके पेट में से कालदे में से दूर दूर स्थानों में जाए यीशु के नाम में, आप फ्री हो जाओ, बोलो आमीन, खड़े हो जाओ, उछलो 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 उछलो, खड़े हो जाओ, उछल के देखो, चेक करो, जाओ पीछे देखो, उछल के दौड़ कर देखो, दौड़ कर देखो, दौड़ कर देखो, जो काम नहीं कर सकते करके देखो, शाबाश, उछल बादशाह 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 सारे बोले हालेलुया, गवाहियों के साथ अभी इसी समय, जिनके पास बेटा भी नहीं है वो भी निकालो पीछे से, शाबाश, जिनके पास बच्चा नहीं है निकलाओ पीछे से, निकलाओ अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जिनके पास बच्चा नहीं है निकलाओ अपने हाथों को उठा लो, शाबाश, हा 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 हा, खड़े हो जाओ उधर, उनके पति भी साथ में आ जाएं, जिनके पास उनके हस्बैंड भी आ जाएं, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, गवाही के साथ, हाँ गवाही के साथ, फटाफट, हालेलुया, हाँ हाँ, प्रॉफिट जी बहन बता रही है, इनको पैरालिसिस हो गया था 2 साल पहले, और जिसके कारण इनका राइट हैंड नहीं उठता था, आज प्रोफेसी को रिसीव किया, पैरालिसिस जा चुका है, हाथ उठने लगा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आ जा बेटे, हां कब से प्रॉब्लम हो गया था, कब से माइक कर, 2021 मार्च, हाथ उठ नहीं रहा था, नहीं सर, अभी घुमा कर दे, घुमा कर दे, शाबाश, जोर से घुमाओ, जोर से, दूसरा भी घुमा, दूसरा भी घुमा, देखो पैरालाइज इज गॉन, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, मेरे हाथों की तरफ देखो, आज से वो पैरालाइज, yes. टच रिलीज करता हूं, सुनो एंटी को फ्री हो जाए, प्रेजेंस आ जाए परमेश्वर की, आत्मा ट्रांसफर हो जाए, फ्री निकल जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री गया, आ रा 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 रा, फ्री यीशु के नाम में गया, चल 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 चल, फ्री यीशु मसीह के नाम में, फ्री आउट निकल रहा है, फ्री, हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ,
हालेलुया। प्रोफेट जी बता रहे हैं कि सालों साल से माता को भी भाई को भी डिस्क प्रॉब्लम थी। ये भाई बता रहे हैं मैं टोटली बेड पर था और विश्वास के साथ जैसे ही अभी रिसीव किया उस बैक पेन से आजाद हो चुका है। छुटकारा 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 छुटकारा। हां बेटे बेटे कब से प्रॉब्लम थी बेटे? 3 साल से डिस्क की प्रॉब्लम और 1 साल से टखने में दर्द था। हां आपको कब से प्रॉब्लम थी बेटे? 7 साल से। 7 साल से जी बेड रेस्ट पर रहता था परमानेंट। बेड रेस्ट पर रहते थे। अभी किसने छू लिया बेटे? यीशु जी ने। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। बेड करे बेड पर रहता था अभी यीशु मसीह ने छुआ और करे के बिल्कुल चंगा हो गया। बैठ कर देखो बैठ कर देखो बैठ कर देखो। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं कि 5 साल से ये व्हील चेयर पे थे। जब आज प्रोफेसी और प्रेयर हुआ आज व्हील चेयर से खड़े हो गए चल पा रहे हैं। जोर से तारीफ करो। चलो आ जाओ चेयर लेकर। लंगड़े दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। लंगड़े दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। लंगड़े दौड़ेंगे। छोड़ दो चेयर आ जाओ गीत गाएंगे हम। छोड़ दो चेयर आओ चलो चले आओ। फिर से कहा लंगड़े लंगड़े दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। लंगड़े दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। शिफा 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 देख रहे हैं। हाथों को उठाऊं और जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। जो नहीं चलता गिर जाता उसको उठाना पड़ता था अभी गिर कर भी खुद उठ रहा है और चल रहा है। हालेलुया। हाँ आपकी पत्नी आई है साथ में। कितना इसकी भगवान आजा शाबाश। अभी देख रही है ये परमेश्वर की सामर्थ है और तेरा पति आज से चल रहा है फिर रहा है दौड़ रहा है। चल बेटे चल 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 तू भी चल इसके साथ साथ चल। शिफा 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 शिफा। लंगड़े दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। लंगड़े दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। लंगड़े दौड़ेंगे यीशु मसीह। कैसे रो रही है औरत? रो रही है अपने पति की चंगाई को देखकर रो रही है कि नहीं चर्च? ये आत्मा आया हुआ है चर्च में आपके ऊपर आज। ये परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ। हाँ 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 नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बता रहे हैं कि सालों साल से इनको सर्वाइकल था अभी जैसे इन्होंने चेक किया सर्वाइकल से आजाद हो चुके हैं। मैं चंगी होगी नहीं मैं चंगी होगी। हालेलुया। हाँ गर्दन घुमा के देखने की शाबाश। फटाफट गर्दन घुमाते तोड़ दे इनकी गर्दन। शाबाश घुमा दे अच्छे से तोड़ दे। बस अब देख कहीं दर्द है? देखो सर्वाइकल वाला इतना सभी घुमा नहीं सकता। कितने जोर से घुमा रही है। तारीफ करो। जाओ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हां हालेलुया। प्रवृत्ति बहन बता रहे हैं 15 साल से एक कान से बहरी थी। अभी आपने कहा रुमाल घुमाकर लगाओ अभी चेक किया बहरी सुनने लगी। बहरी सुनेगी। कमर कमर तोड़ कर 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 तोड़ कर। हां फटाफट दोनों कानों में उंगली डाले। बहन सामने खड़ी हो जा सामने। दोनों कानों में उंगली डालो। सोनू बोला जीसस हालेलुया। बड़े बड़े जीसस। हां डालो उंगली डालो कानों में उंगली डालो। जीसस जीसस जीसस। तारीफ करो जोर से। नीचे करो से ये वेदी है आग लग जाएगी तेरे को। ऐसे नहीं बुलाते तुम्हारा दिमाग खराब है। पीछे से हां जोर से तारीफ करो। और कमर में कब से प्रॉब्लम था?
कितने टाइम से प्रॉब्लम था कमर में? वो एक साल से था मुझे, एक साल से था, दवाई ले रहे थे, बिंज बोया मैंने आपसे प्रार्थना करके। अभी अभी इसी समय बैठ कर देखो, बैठ कर देखो, दर्द गया मेरा, दर्द गया। जोर से तारीफ कर रही कि मैंने, मेरे एक साल से दर्द भी था जब मैंने बीज बोया, वो भी मेरा चला गया। तारीफ करो जोर से, जाओ जाओ शाबाश। हालेलुया, प्रभु जी भाई अपनी माँ की गवाही दे रहा है, ये बता रहा है कि पांच साथ ले आओ फटाफट। पांच साल से इसके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, अभी आप कह रहे हैं कि लंगड़े चल रहे हैं, आज कह रहा है बिना सारे के चल नहीं पाती थी, आज बिना सारे के चल रही है। चलेंगे बोले सुनेंगे, आज पूरा हुआ है कला के नाम से, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा। हालेलुया, प्रॉफिट जी बेनतरी एक साल से पेट पर इनको गिल्टियां थी, अभी आपने बोला चेक करो, चेक किया, गिल्टियां साफ हो गई है। शिफा 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 शिफा। शाबाश बेटे, कब से थी गिल्टियां? जी साल भर से थी। साल भर से, कहां से आई आप? जी मैं यूपी से आई हूं, जिला शामली से। कहां पर थी गिल्टियां? यहां पर, एक यहां पर थी, एक यहां पर थी। आ जाओ कमेर कमेर, दौड़ कर दौड़ कर दौड़ कर दौड़ कर, शाबाश दौड़ कर मेरे पास। शिफा शिफा, देखो इधर देखो, इसकी ब्रेस्ट पे दिखाऊं, ब्रेस्ट पे टेप लगी हुई है, देखो ब्रेस्ट पर, आप देख रहे हैं इधर झूम कर से, देखो टेप लगी है, गिल्टी थी कैरी, और किधर थी दूसरी? एक यहां पे थी, एक पेट में, अंडर आर्म्स में, एक यहां पर, और करे दोनों गिल्टियां गायब हो गई। अभी जी तारीफ करेंगे जोर से, कौन है कौन है? शिफा 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 शिफा। हां नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हां हां हालेलुया, तेरा कैमरा कहाँ है? हालेलुया, प्रॉफिट जी माता बता रही है 40 साल से गठिये की प्रॉब्लम थी, चल नहीं सकती थी, आज लोग व्हीलचेयर पर लेकर आए थे, मगर अभी जैसे आपने कहा जो नहीं चल सकते, जो नहीं कर सकते, आज करके देखो, आज बता रही है 40 साल बाद अपने पैरों पर खड़ी है, चंकी हो चुकी है। मौजूदे 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 मौजूदे। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, आज पूरा हुआ है कला यीशु मसीह के नाम से, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब। हालेलुया, प्रभु जी इन दोनों बहनों के कई सालों से गर्दन पे गिल्टी थी, अभी आपने प्रोफेसी क्या रिसीव किया, गिल्टी धुआं भर के उड़ चुकी है। हां कब से थी गिल्टियां बहन? सब एक लाइन में कर दे फटाफट। हां दो साल से, और अभी नहीं है, नहीं है, गायब हो गया। गर्दन घुमा कर देखो शाबाश। हां हां गर्दन घुमा कर देखो, अभी प्रभु ने छुआ, आजाद हो गए हैं सब के सब। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हां हां दूसरी को तीन महीने से गिल्टी थी, और अभी क्या हुआ? उठ धुआं बन के उड़ गई। अभी रुमाल घुमाया, धुआं बनकर उड़ गई। ये परमेश्वर है बता रहे हैं कि जब रुमाल घुमाया गिल्टियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। आप में से भी यहाँ पर कोई खड़ा है जो इस रुमाल घुमा रहा है, सुबह गवाही को देखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ले हैंड प्रे करा रहे हैं, आजाद हो रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी एक और अद्भुत गवाही है, ये बहन कह रही बच्चे को 4 महीने से कान के पीछे बड़ी बड़ी दो गिल्टियां थी, अभी जैसे ही चेक किया दो दो गिल्टियां साफ हो गई हैं। तारीफ करो जोर से, मौजी चली दा फिर दा मौजी से। मैंने रुमाल घुमाया और इसके कान के पीछे लगाया तो वो गिल्टियां गायब हो गई। अभी मौजी से 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 मौजी से। ऊपर उठाऊं, ऊपर उठाऊं, शाबाश, एक साइड लाइन लगा दे। आप देख रहे हैं किसी को सर्वाइकल था, ऊपर उठाऊं अपने पर्चे, मैं देख रहा हूं किसी को सर्वाइकल था, गिल्टियां थी, गांठे थी, अलग अलग तरह की बीमारियां करे के, किसी के कमर में दर्द, किसी के बैक पेन में दर्द, घुटनों में, 3 साल से घुटनों में प्रॉब्लम, सर्वाइकल, गिल्टियां,
कंठ है, सर्वाइकल बैक पेन आजाद हो गए हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय एक लास्ट प्रार्थना करेंगे जो मुझे सुन रहे और देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर, अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो परमेश्वर तेरी प्रेजेंस इस हफ्ते मेरे साथ रहे। बोलो आमीन, परमेश्वर की प्रेजेंस इस हफ्ते आपके साथ रहेगी। आप महसूस करेंगे इस हफ्ते में आप इतना कमाएंगे आपके जो रुके हुए काम होंगे वो भी बन जाएंगे। ये भविष्यवाणी आपके लिए, जो आपने नहीं किया वो करोगे, जो आपने नहीं किया। हाँ दे दे दे, मैं भी ले जाता हूँ किसी के लिए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, विश्वास करना है हालेलुया। आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके ऊपर अनॉइंटिंग वाटर डाल रहा हूँ परमेश्वर, आज ले हैंड वाले ऊपर करो। शाबाश, शुभम, प्रियंका, किरण, कुसुम, आशा, सीधा करो तभी पढ़ूंगा। पुटुल, रंबाली, कुसुम, सरिता, मीना, गौरव, रेनू, भूपेंद्र, सीता, रानी, सुमन, योगराज, रोहित, बबलू, बब्बू, रचना, संस्कार, संस्कार, रोशनी, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इनकी बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इसी समय अनॉइंटिंग वाटर उडेलता हूँ, जिसके ऊपर अनॉइंटिंग वाटर आए इसी समय आजाद हो जाए। ओए तंग ना करो, तंग ना करो, पैर छूकर तंग ना कर, पानी डालने दे बेटे, तंग हो जाऊंगा मैं गिर जाऊंगा ऐसे। इसी समय परमेश्वर छुए यीशु मसीह के नाम में, छुए यीशु मसीह के नाम में, छुए यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो मौजज़े, 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 अपनी कलीसिया च चल दो फिर दो मौजज़े ओ बनदा है, अपनी कलीसिया च चल दो फिर दो मौजज़े ओ बनदा है, अपनी कलीसिया च चल दो फिर दो मौजज़े ओ बनदा है, अपनी कलीसिया च चल दो फिर दो। कोर्स कोर्स मौजज़े Abalaba, shabalaba, balaba, shabalaba. Mojizin. Wo gayegi sirf. कोर्स कोर्स गाओ, बजाओ नहीं, तुम्हारा टाइम ओवर गया, अपना क्लोज कर लो, ढोल ढाल। लड़की पवित्र आत्मा ब्लेस कर, पवित्र आत्मा ब्लेस कर। मैं गिर जाऊंगा, मेरे को पानी डालना उनके ऊपर। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। चुप वो चंगा हो रहा है चर्च, आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मौजज़े हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। प्रभु आप सबको छुए, जो ले हैंड प्रे कराना चाहता है वो आ सकता है। और मैंने एक अलाउंस भी किया था कि जो जॉब करना चाहता है प्रे टावर में, चर्च में, किसी के पास जॉब नहीं है वो कर सकता है। यहाँ पर सेवा करना चाहता है सेवा कर सकता है। अगले संडे मिलेंगे आशीष के साथ, हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जो लोग लेकर जा रहे हैं, मैंने स्पेशल प्रेयर की है, उसमें आपको आशीष मिलेगी। अगर किसी के काम नहीं खुले वो एक ले हैंड प्रे करा के देखो, खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल स्पेशल ले हैंड प्रे वाले इस कमरे में आ जाओ। अबा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा
चीजें हो तो गई यार।